स्वामी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको मेरा प्रणाम पेश करता हूं। आप सबके लिए वो ताज्जुब की बात होगी कि डबल डॉक्टरेट के बाद और पूरे भारत वर्ष के एजुकेशन में और विदेश में भी शिक्षा के तौर पर बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूशन करने वाले स्वामी श्री सत्यवेदान जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो बहु आयामी अनुभवों के धनी है। हमें आज उनसे ये संवाद या दीर्घ वार्तालाप में जानना है कि उनका जीवन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। हम वो भी जानना चाहेंगे कि ओशो के बारे में, ओशो के साथ कई दिन रहने के बाद उनके विचार और ओशो जी की फिलोसॉफी को वो किस तरह से अपना मूल्यांकन दे रहे हैं। ये सभी प्रश्नों के साथ हम स्वामी सत्यवेदांत के साथ आज वार्तालाप शुरू कर रहे हैं। स्वामी श्री, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है वो कैसे, कहाँ से, कौन से मोड पे आगे चला और आप ओशो के पास कहाँ तक पहुँचे? सर्वप्रथम तो बद्रायु सर, मैं परम सदगुरु सिद्ध ओशो को के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया है कि मैं सदगुरु ओशो के विषय में कुछ अपनी बात व्यक्त कर सकूँ। आपका प्रश्न है तो उसकी शुरुआत, कहानी तो बहुत लंबी है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, लेकिन उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी। मैंने 1966 में बड़ौदा यूनिवर्सिटी से मेरी पहली पीएचडी पूरी की थी, एमएस यूनिवर्सिटी से। और मैं अमेरिका के लिए निकल गया था क्योंकि मेरा भाव था कि मैं इंडियन और वेस्टर्न लिटरेचर का कंपेरेटिव स्टडी करूँ। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ था मेडिसिन कैंपस में। तो मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया। तब तक इधर उधर कई ओशो के बारे में उन दिनों भगवान श्री रजनीश के नाम से जाने जाते थे तो सुन रखा था, लेकिन विशेष कोई परिचय मेरा नहीं था। आप मिले भी नहीं थे? नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ पता ही नहीं था। और फिर अमेरिका पहुंच गया। अब वहाँ बड़ी लंबी कहानी, पढ़ाई शुरू हुई, पैसे नहीं थे और बहुत समस्या थी, और एग्जिस्टेंशियली परमात्मा की कृपा से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में मुझे इनवाइट किया गया एज अ प्रोफेसर ऑन लेक्चररशिप के लिए। अच्छा, हाँ, टू टीच कोर्स ऑन इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर। ओ, हाँ, उसका टाइटल था द कल्चरल एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, ऐसा टाइटल था उसका। तो मैं जब वहाँ भर्ती में मैं पहुँचा तो उस वक्त किसी ने भारत से ओशो के शुरू की पुस्तकें भेजी थी, पथ के प्रदीप, मिट्टी के दिए, शुरू छोटी छोटी पुस्तकें होती थी। दैट वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन, पहला मेरा परिचय ओशो से, उनके विचारों से, उनके दर्शन से, उस तरह से शब्दों के माध्यम से हुआ। अब वो बहुत इम्प्रेसिव, छू तो गया, टच तो बहुत हुआ। और उन दिनों मैं कृष्णमूर्ति को भी बहुत पढ़ता था तो दोनों का बहुत अच्छा मुझे आनंद हो रहा था पढ़ने का दोनों को। लेकिन बात आगे बढ़ी नहीं क्योंकि एकेडमिक वर्क में इतना बिजी रहा मैं कि बहुत आगे मामला बढ़ा नहीं। खैर, फिर कहानी कम करते, अब उसमें हुआ ये कि एक बार मैं एक पार्टी में भाग ले रहा था तो अल्बर्टा कनाडा से एक डॉक्टर प्रसाद करके हमारे कोई परिचित मित्र आए, उससे बातचीत हो रही थी तो मैंने बताया कि मैं अब वापस यहाँ पर थोड़ा सा पैसा बना करके फिर विस्कॉन्सिन जाऊँगा, वहाँ जाकर पीएचडी लूँगा और उसके बाद भारत जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि लिटरेचर में पीएचडी करके क्या करोगे, देश का क्या भला हो ले हो तुम, प्रोफेसर हो जाओगे दादा तो क्या हो, देश का क्या भला। उन दिनों मेरे मन में देश का बड़ा भारी जुनून था कि देश का कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा क्या, कहते हैं कि हमारे भारत में शिक्षा के मार्ग पर बहुत कम काम हुआ ही नहीं। सही बात। और जो भी शिक्षा के माध्यम से बात हुई है वो सब पुरानी बातें हैं और वो भी ब्रिटिश लोगों के ज़माने की शिक्षा की प्रणाली को हमने अपनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में खूब अच्छा काम होना जरूरी है, अगर तुम शिक्षा में कुछ कर सको
उसमें कुछ तुम काम कंट्रीब्यूट करो तो ज्यादा वो ज्यादा मूल्यवान। मुझे पता नहीं बात कैसे क्लिक हो गई, तो मैं बर्कली के एजुकेशन उसमें ग्रेजुएट स्कूल में गया तो कहते कि वी कैन नॉट एडमिट यू। मैंने कहा क्यों, बट यू ऑलरेडी हैव अ पीएचडी। मैंने कहा सो व्हाट, इट इज नॉट इन दिस सब्जेक्ट इन दिस कंट्री और दिस यूनिवर्सिटी, डजंट मैटर, ऑन पेपर यू हैव अ पीएचडी, दैट्स अबाउट इट। अब क्या करें। तो फिर तब तक मेरे चार साल बर्कली मैंने पढ़ाया, फोर ईयर्स आई टॉट दिस कोर्स। उन दिनों हिप्पी मूवमेंट चलती थी, हरे कृष्णा मूवमेंट, बीटल्स, महेश योगी, इन लोगों का ईस्ट में बहुत रस था ना, इसलिए वहाँ चार साल तक बहुत बढ़िया ढंग से मेरा काम हुआ। फिर मैं वहाँ से शिकागो आया और फिर कहानी छोटी करता हूँ, मिशिगन यूनिवर्सिटी मिशिगन में एन आर्बर में मेरा एक मित्र होता था ऋषिकेश मारू, राजकोट का ही था वो, हम लोग साथ में बड़ौदा में पढ़ते थे, वो इकोनॉमिक्स में था, बाद में बांग्लादेश गवर्नमेंट का वो एडवाइजर हो गया। उसने कहा अरे तू यहाँ पर शिकागो, तू यहाँ आना, अपन मिले नहीं बहुत समय से, मिलेंगे करके ऐसा करके। तो मैं शिकागो से ड्राइव करके मैं एन आर्बर मिशिगन गया। ओके। और वहाँ मैं स्कूल ऑफ एजुकेशन में फिर मैं गया जस्ट टू ट्राई। तो वहाँ डॉक्टर कूपर थे तो उन्होंने मुझे कहा कि यस वी विल एडमिट यू, आपको एक जीआरई एग्जाम लेनी है वो पास कर लो तो आपका एडमिशन। वो मैंने पास कर ली, मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। वहाँ पर जब मैं पीएचडी कर रहा था एजुकेशन में, अब अपने अपनी बात पर आ रहा हूँ, तो वहाँ किसी ने मुझे ओशो के महावीर मेरी दृष्टि में इस पर कोई 90 कैसेट्स मुझे भेजी थी, कहाँ से हैं पता नहीं, ऑडियो कैसेट्स। वो 90 कैसेट्स मैंने क्या सुनी, बस मेरे मन में एक ही भाव था मुझे इनके दर्शन करने, नथिंग एल्स, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, मुझे बस जाना है और मुझे इनके दर्शन। और मुझे कुछ पता नहीं था कि वो संन्यास क्या होता है, संन्यास देते क्या करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये था कि उनके मैंने वचन सुने और पुस्तक तो पढ़ी थी मैंने, तो ये था कि जाकर भी सारे दर्शन करने, ये भाव था। लेकिन वो पीएचडी पूरी करनी थी, पहले पीएचडी पूरी की 73 में, अब उसके बाद पैसे नहीं तो नौकरी, तो मैं डायरेक्टर बन गया शिकागो में। अब वहाँ थोड़ा सा काम करके एक साल भर पैसा जमा करके मैं 10 जनवरी 1975 को शिकागो से फ्लाई करके मैं बम्बई आया। तो इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मुंबई से पुनः आने के लिए, तो मेरे सामने एक पारसी सज्जन बैठे हुए, तो मुझे कहते हैं गोइंग, मैंने कहा आई एम गोइंग टू सी रजनीश, रजनीश आश्रम, नो 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 नो, दैट इज नॉट द प्लेस यू शुड गो। मैंने कहा मैं तो जाने के लिए आया और मैं तो जाऊंगा, तुमको पता है पारसी गुजराती दैट जब उनके सामने कोई बैठता है तो वो हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को, तो तुम बड़े ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे कहते हैं जब तुम उनके सामने बैठो ना तो अपने साथ एक पिन रखना, तो चल देखिए तो पिन को टच कर देना तो हिप्नोटिज्म काम नहीं करता। मैंने कहा थैंक यू, उसको मुझ पर क्या दया है बंदरा सर, उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास चले आना। मैंने कहा पड़ेगी नहीं ऐसा करके। तो ये मेरा होटल में तकरीब मैं आया, माँ लक्ष्मी से मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका था कि मैं आने वाला हूँ, तो मैं वहाँ ऑफिस में पहुँचा, आ गया भैया, मैंने कहा कि हाँ वहाँ मैं आ गया। तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि तो माँ फिर भगवान के दर्शन, अब पता नहीं देखते हैं क्या होता है कैसे, मैं व्हाट यू मीन क्या होता है यहाँ पर उनके दर, नहीं नहीं वो देखते हैं क्या होता है, ऐसा करो सुबह 6 बजे डायनेमिक है, डायनेमिक ध्यान में आ जाओ, 8 बजे ओशो का प्रवचन है भगवान का, प्रवचन तुम सुनो फिर देखते हैं क्या होता। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे अहंकार का गुब्बारा कैसा फूटा हमारे दर्शन भी आ रहे हैं, वो कह रही पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं होगा, एनीवे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा अपसेट होकर के मैं बाहर निकला और मैंने सोचा कि मैं कल सुबह डायनेमिक में नहीं जाऊँगा, डायनेमिक ध्यान कर, अच्छा गुस्से में। और वो पहला दिन था, उन दिनों क्या होता था 10 दिन का शिविर होता था ध्यान शिविर 10 दिन का, ये पहला दिन था। वो पहले दिन का पहला ध्यान मैंने सिर्फ मिस किया, उसके बाद रोज के 5 ध्यान होते थे, मैंने एक भी ध्यान फिर मिस नहीं किया, मैं
ध्यान के 10 मिनट पहले पहुंच जाता था। एनीवे तो वो तो नहीं कह रही, 8 बजे उनका प्रवचन था, तो लाओस हाउस जहाँ हमारा ओशो का कैंप है पूना में, वहाँ ऊपर ऐसा गैलरी जैसा था, वहाँ ओशो बैठते थे। हम लोग कोई 25-30 साधक बैठे थे, वो आए, उन्होंने कबीर पर उनकी प्रवचन माना थी, कबीर का टाइटल था गूंगे केरी सर करा कबीर, प्रवचन माना थी उनकी। मैं देख रहा हूँ उन्होंने बोलना शुरू किया है और बताया सर मैंने, मेरा रोना शुरू हो गया। क्या मैं रो रहा हूँ, वो बोल रहे हैं और मैं रो रहा हूँ, 1.5 घंटे तक वो बोल रहे हैं, मैं बैठा बैठा रो रहा हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे मैं क्यों रो रहा हूँ, क्या हो रहा है, कोई कारण नहीं था मेरे रोने का, कोई कारण, सब ठीक चल रहा था, सब बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं मैं मुझसे 1.5 घंटे तक रुका नहीं गया। 1.5 घंटे बाद उनका प्रवचन पूरा हुआ, वो शो चले गए, तो मैं उठ करके बाहर ऐसे ही घूम रहा हूँ, इतने में किसी ने कहा माँ लक्ष्मी इज कॉलिंग यू इन आर ऑफिस। मैंने कहा ठीक है भैया, गया वहाँ पर, तो वो गया, तो भैया आज दर्शन होंगे, और मैं तो उछल पड़ा कि आज दर्शन होंगे, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ पर लाओत्सु गेट पर पहुँच जाना, फिर अंदर जा कर के वो, ये इस तरह से मेरी यात्रा, आपने सवाल पूछा था, कहानी तो बहुत बड़ी है, 3 दर्शन हुए फिर ओशो के 10 दिन में, 1975 हाँ, और वो 11 जनवरी 1975 को ओशो ने मुझे दीक्षा दी, संन्यास दीक्षा। वो कैसे हुआ, पहले पहला परिचय तो ऐसे हो गया, लेकिन वो ऐसा हुआ कि अब हम बैठे हुए हैं ऐसे, ओशो बैठते थे, हम ऐसे बैठते थे ऐसे ऐसे, और हम सामने से बगीचे में ऐसे आते थे, तो मुझे उन्होंने यहाँ ऐसे बैठाया होगा, जिस जिस किसी ने बैठाया होगा मुझे यहाँ जगह, जो ओशो यहाँ बैठे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वहाँ पर माँ तरु माँ दर्शन होती हैं, उनसे वो ओशो पूछ रहे हैं कि कैसे हैं सब, क्या हो रहा है, सब ठीक तो है, किसी की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कैसी हैं, सब पूछते 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 एक ब्रिटिश महिला वहाँ आई हुई थी 3 हफ्ते से, नाउ शी वॉज गोइंग टू गो बैक, तो उसके लिए कहते थे डिपार्चर दर्शन, उसका दर्शन होता था, ऐसे दर्शन के नाम थे, अराइवल दर्शन, मेरा अराइवल दर्शन था, उसका डिपार्चर दर्शन दर्शन। तो उसने कहा कि भगवान इज देयर एनी मेडिटेशन दैट आई शुड नाउ कंटिन्यू विथ व्हेन आई गो बैक। तो उन्होंने मनीषा से कहा कि मनीषा शो हर दिस प्रेयर मेडिटेशन, प्रार्थना ध्यान है, वैसे घुटनों के ऊपर बैठना होता है, हाथ ऊपर रखना होता है, ऐसी कल्पना करनी होती है कि पूरी विश्व से ऊर्जा आप में उतर रही है, उसका अनुभव करना होता है, और जब आप लगे कि आप पूरे भर गए हो तो झुक करके आपको अपना माथा पृथ्वी से लगाना होता है, ऐसा 7 बार करना होता है। अच्छा। ऐसा वो प्रार्थना ध्यान है। तो उसने दिखाया, उसके बाद वहाँ पर एक भारतीय महिला बैठी थी, उसका 5-6 साल का बच्चा था, तो वो कहती है भगवान इसको ना कागज़ खाने की बड़ी आदत, कागज़ कहीं भी कागज का टुकड़ा पड़ा होगा तो खा लेगा। तो ओशो ने कहा कि ऐसा करो उसे अपनी गोद में सुला, तो बच्चे को उसने गोद में सुलाया, ओशो ने उस बच्चे की तरफ 8-10 सेकंड को देखा होगा, और फिर उनके पास वो माँ विवेक बैठती थी जिनके पास वो सर्टिफिकेट होता था जिन पर नाम लिखना होता था संन्यास का, वो लेकर के उसको कहा कि लो इसको खाओ इसको खाओ, वो कहता है नहीं 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 अब मैं नहीं कभी कहूँगा, नहीं नहीं मुझे मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कभी खाऊंगा। तो उसने कहा कि आप ये कभी नहीं खाएगा, इसकी चिंता मत करो, लेकिन इस पर बहुत ज़बरदस्ती से काम मत देना, इसकी 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 इच्छा से इसके प्रभाव से इसको बड़ा करना है, डोंट फोर्स एनीथिंग अपॉन इट, बस इतना ही उन्होंने उसको कहा। और फिर उनकी नजर मुझ पर, अब क्या बताऊँ भद्रा सर, इतनी मीठी आवाज़ है ना, शहर में क्या मीठा होगा, सो सॉफ्ट मलबल की तरह, रेमिशी रेशम की तरह सॉफ्ट वॉइस था, क्या मैं कॉपी नहीं करूँगा, कर नहीं सकता, करूँगा भी नहीं, पर जो बोले मैं अब करूँगा, बस इतना ही कहा, हाँ तो कुछ कहना है, बस इतना ही बोले, और सर मुझे पता नहीं मैं क्या बड़बड़ाया, लेकिन मैं चीख मार के उनके चरणों में गिर पड़ा। अभी तो नहीं रहे कोई, सब जिन्होंने बैठे थे उनको अभी भी याद है वो चीख, कैसी चीख निकली थी वो। अच्छा। और मैं चरणों में गिर के बस बार बार यही कह रहा हूँ, और कहाँ से आया मुझे पता नहीं, भगवान अब आप मुझे कभी ना छोड़ें, भगवान अब आप मुझे कभी ना छोड़ें, मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा कह रहा, मैंने तो सोच के थोड़ी आया था, मुझे तो कल दर्शन करने आया था, मुझे ये नहीं पता था क्या होने वाला, वहाँ जा करके क्या होने वाला इसका मुझे कोई अंदाज नहीं था, मुझे खाली बस आकर के दर्शन कर लेते, मुझे मेरा भाव था। अब वो मुझे पूछ रहे कुछ कहना है,
अब मुझे पता नहीं क्या कहना था, कुछ भी बोला, और मैं कह रहा हूँ भगवान अब आप मुझे कभी ना छोड़े, और मुझे कहते हैं नहीं 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 अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, शिकागो में भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर कहते हैं, और ये वाक्य उनका हमेशा उनका, मुझे कहते हैं सब उस पर छोड़ दो, जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, तुम कोई फिक्र ही मत करो, सब उस पर छोड़ो। जब जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद कई बार मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला, जब जब चरण उनका पहला वाक्य सब उस पर, मैं कुछ बोलने जाऊं सब उस पर छोड़ो, जस्ट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, बस इतने बोल, वो ही उन्होंने उस वक्त कहा। और फिर वो मुझे कहते हैं तो फिर श्वेत वस्त्रों में ठीक रहेगा, अब मुझे पता नहीं श्वेत वस्त्रों में ठीक मतलब क्या होता है, उसको ये था करुणावश उन दिनों ओशो दो रूप में संन्यास दे देते हैं, तो जिनको नौकरी धंधा करना होता है बाहर काम करता है उनको श्वेत वस्त्रों में संन्यास दे देते हैं, गेरुओं में नहीं, और जिनको श्वेत वस्त्रों में संन्यास देते हैं उनका नाम होता था साधु। तो मेरा पहला नाम है साधु सत्य वेदांत। अच्छा हाँ, और फिर मेरी आंख में दाग डाल के मिस्चिफ से कहते हैं लेकिन फिर जल्दी गेरुओं में आ जाना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि तू यही पहन के चलता, वो तो सबसे बड़ा टेस्ट था कि तुम निकलते हो कि नहीं गेरुओं, और गेरुओं में बताओ सर, जब मैं डीन बना था सैन फ्रांसिस्को में, मेरा सरो सूट गेरुओं में होता था, और सर सूट, अच्छा, और ऊपर टाई होती थी, कुर्ता पैंट टाई सब कुछ, वो सब सब गेरुओं में, और ऊपर से माला होती थी उसमें मेरे टाई के ऊपर, ऐसा मैंने वो डीनशिप किया कहने में। तो एनीवे मुझे पता नहीं कि मैं, मेरी तो गर्दन नहीं रही महाराज, आप जो ठीक समझो। तो उन्होंने मुझे लिख के उसमें नाम दिया साधु सत्य वेदान, ऐसा करके मुझे दिया, और फिर मुझे कहते हैं ऐसा करो तुम 5 दिन के बाद फिर यहाँ पर आओ और फिर मैं तुम्हें कोई नया ध्यान दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हाथ बंद करके बैठ गया। फिर उनका प्रोसेस चलता रहा, बातचीत वगैरह जो, और एकदम कहते हैं वेदांत वो जो भी प्रार्थना ध्यान कराया ना वो करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो घुटने के बल बैठ गया और मैंने हाथ, और मैं जैसा हुआ वैसे बता रहा हूँ जो सिद्धि घट रहा, और ऐसा लगा कि ऊर्जा उतरी खूब जैसे मुझ पर, और मेरा बॉडी तो सब वाइब्रेट हुआ और मैं ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होकर के गिर पड़ा, आई फेल डाउन। और फिर मुझे लगता है कोई आया मनीषा या कोई आया, उसने मुझे ऐसा कुछ टच किया यहाँ पर ऐसा करके मैं, और मैं जब गिर पड़ा तो मैं सुन रहा हूँ ओशो की आवाज़ जैसे वो गुफा में से बोलता है ना, कम बैक वेदांत कम बैक, बहुत बढ़िया रहा बहुत बढ़िया रहा, बड़ी जल्दी डीप में चले जाओगे, कम बैक, ऐसा वो मुझे बोल रहा हूँ। हाँ, और ऐसा करके फिर मैं बैठ गया, मेरी आंखें बंद, वो कब उठे कब चले गए मुझे पता नहीं। ये मेरा पहला दर्शन। तो उसी वक्त पे वो पारसी की पेन याद नहीं आई? कोई ऐसे उनके सामने होना जैसे किसी प्रवाह आपके ऊपर गिरता ना, ऐसे प्रवाह गिरता था आपके ऊपर, आपको कुछ किसी चीज को कुछ सूझ ही नहीं पड़ती, यू आर एब्सोल्युटली इन अ स्पेस, यही शब्द ठीक है, यू आर इन अ स्पेस, दैट्स अबाउट इट। और उनकी ऊर्जा बरस रही, उनका होना आप अनुभव कर रहे, और इतना होना शाइनिंग प्रेजेंस उनका था, जिसे कहते हैं मैग्नानस प्रेजेंस था, और मीठी आवाज उनकी उसमें, तो आदमी जैसे ना गुजराती में तणई जाए, बह जाता था, बह जाता। तो बात ये हुई कि पहले वचन से और बाद में उनकी प्रेजेंस ने आपको उनके साथ छोड़ दिया। तो ये जो पहले दर्शन और जो आपका संन्यास, उसके बीच में आपका माइंड सेट कैसा रहा? नहीं, उसमें क्या हुआ कि मैं थोड़ा डायलेमा होगा या नहीं, कोई डायलेमा नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं माँ लक्ष्मी के पास फिर गया, मैंने कहा माँ मैं यहाँ पर हूँ, कोई मैं सेवा कर सकता हूँ, देयर एनीथिंग आई कैन डू, क्या करोगे? तो मैंने कहा माँ भगवान के जो हिंदी के प्रवचन है वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा करना? मैंने कहा माँ गीता के, मुझे करने का भाव है गीता का। अच्छा तो ठीक है, उन्होंने फटाफट कोई जगह ढूंढ करके वहाँ कुर्सी टेबल वगैरह फिट करके बैठा दिया मुझको कि तुम ये तुम्हारी जगह है, और मैंने कहा 15-20 पन्ने गीता के अनुवाद करके उनको मैंने दिए, वो उन्होंने फिर ओशो को भी दिए देखने के लिए। अच्छा, तो वो मैंने किया in between पर जब मैं था। Then you got the response from? हाँ, वो फिर दूसरे दर्शन में हुआ, तो वो दूसरा दर्शन जो हुआ 5वें दिन, okay. उसकी मैं अगर आप तो 5वें दिन फिर मैं जैसे उनके सामने बैठा हूँ, तो उनका पहला
Your translation has come out very well. Now this is your work. You translate me from Hindi to English and English to Hindi. ये तुम्हारा काम है। देखते ही बोल दिया? बोला, समझ बोल। और वो जो प्रार्थना ध्यान किया था ना, वो तुम करो। वो तुमको करना है। इससे ज़्यादा कुछ बोले नहीं। और उन्होंने, हाँ, उन्होंने मुझे अपना नैपकिन दिया। अच्छा, नैपकिन रख के आते थे सफेद अपने हाथ में, और कहा कि जब बहुत परेशानी हो जाए, आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दिस, तो उसे अपने हृदय पर रख लेना। और फिर आँख में मिश्री ला के कहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बार मत करना और उसको धोना मत, डोंट वॉश इट, ऐसा कर। मैंने स्वीकार करके मिला, आप मंदिर के मैं बैठ गया, ये मेरा। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ट्रांसलेशन इज कम आउट वेल, इसके कारण मुझे पता चल गया कि उनको अच्छा लगा। तो इस प्रकार से दूसरा दर्शन मेरा पूरा हुआ। जो तीसरा दर्शन, जो मेरा आखिरी जिसे डिपार्चर दर्शन था, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग है सिचुएशन। ऐसा है हुआ कि मैं माँ के पास गया लक्ष्मी से, मैंने कहा माँ ओशो से अकेले में बात नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को सबके सामने बात कर संकोच होता है, कैसे बात करें। तो मैंने कहा कि माँ अकेले में पूछती हूँ, मैं भगवान से पूछती हूँ, उन्होंने पूछा होगा, उन्होंने हाँ कहा होगा, और मुझे मैसेज मिला कि यस यू कैन सी हिम। तो मुझे बताया गया कि माँ लाओत्सो गेट पर तुम 5 बजे माटी पहुँच जाना। मैं खड़ा हूँ वहाँ, कोई आए नहीं, तो वहाँ शिव नेत्र ध्यान चल रहा था, तो मैं उसी में बैठ गया। फिर मैंने तो पता नहीं कुछ चेंज हो गया होगा। इतने में वो जयंती भाई अहमदाबाद के जो ये अरेंज करते थे, वो आए और कहते कि कम वेदांत, यू हैव टू गो इनसाइड। तो मैं कहता बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है, मुझे ले गए। तो वहाँ सीन ये था कि अभी कोई आया नहीं था, ऐसे ओशो बैठे हुए हैं, सामने से आना होता है, यहाँ लोग बैठेंगे, यहाँ भी कोई नहीं था, सब खाली था। इस एक दीवार यहाँ थी और एक दीवार यहाँ थी। इस दीवार पर मूवी का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो विजय आनंद है, वो बैठे थे उनकी पत्नी के साथ, तो उनकी कोई बातचीत चल रही थी उनकी। और जैसे ही मैं आया, ऐसे ओशो कहते आओ वेदांत बैठो, तो मैं इस दीवार से सट करके मैं बैठ गया। फिर मैं आया, मेरे चरण स्पर्श कर, मैं कुछ बड़बड़ा हूँ, सब कुछ पर छोड़ दो, तुम फिक्र ही मत करो, जस्ट लीव एवरीथिंग टू मी, तुम फिक्र ही मत करो, लीव एवरीथिंग टू मी, बस इतना ही बोलो। तो मैं क्या कहता, तो मैंने मुझे लगा अब जाना था, मैंने कहा तो भगवान में जाओ, नहीं जाना था, नहीं यहाँ बैठो, यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठा दिया। फिर अब धीरे धीरे लोग आने शुरू हो गए, सत्संग शुरू होना है, तो लोग आ गए सब, फिर वही सारा माहौल। उसमें हमारे यहाँ जिसे इंग्लिश में शब्द का है प्रयोग करते हैं ओडेसिटी, एक शिष्टाचार का भंग करते हैं, ऐसा मुझसे शिष्टाचार का भंग हुआ मुझसे। अब वो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भगवान एक बात पूछने की रह गई, इन द मिडल ऑफ द होल भगवान एक बात पूछने की रह गई। उन्होंने सब स्टॉप कर दिया, हाँ हाँ वेदांत बोलो बोलो क्या बात है। मैंने कहा भगवान, और जो हुई बात वो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कहा भगवान, पिछली बार जब मैं आया था 5वें दिन, तो मेरी आँख बंद थी और मैं एक दृश्य देख रहा हूँ मेरे आँख के सामने, आँख बंद है, कि एक तिजोरी है, ट्रेजर बॉक्स, उस पर जैपनीज फ्लैग का चित्र लगा है, और एक हाथ ऐसा आकर के उस तिजोरी को खोलता है, और उसके अंदर एक कांच की गोल बर्नी है, बर्नी में पानी है और पानी में मछली है। तो मुझे कोई कह रहा है कि जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे भगवान के बिना तुम नहीं रह सकते। और मेरी आँख खुल गई। तो ओशो कहते हैं, हाँ वेदांत ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा ही है। और मैं अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ा। फिर वो मनीषा आई, उसने फिर वो किया, फिर कब ओशो उठे कब चले गए पता नहीं। फिर वो ग्रीक मुक्ता जो गार्डनर थी वो आई, मुझे कहती वेदांत कम नाउ, भगवान इज ऑलरेडी लेफ्ट, यू हैव टू गो, ऐसा करके उसने मुझे उठा करके। ये मेरा तीसरा जो डिपार्चर दर्शन। उस वक्त पे कितना उम्र होगा? मेरी 35 35 35। और उसके बाद फिर मेरा निकला, मैं मद्रास ट्रेन में रो रहा हूँ, प्लेन में रो रहा हूँ, शिकागो में रो रहा हूँ, इतनी याद आ रही थी उनकी मुझे, आई वॉज मिसिंग इन सो मच। और मैं इनलाइन लेटर लिखता था इनलाइन, तो ऐसा
छोटा 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 अक्षर जहाँ जहाँ इतनी इतनी जगह भी होगी तो लिख ये हो रहा है मुझे, वो हो रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है। ऐसे डेढ़ महीने तक पत्र में कोई जवाब नहीं आया, डेढ़ महीने बाद पत्र का जवाब आया, एक लाइन उसमें थी, वो प्रिया करके थी, उसे डिक्टेट करवाया होगा उन्होंने, वो लाइन ये थी, प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह बहो। देखिए एक एक शब्द, अच्छा प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह, बिना पत्ता डूब जाता है, सूखा पत्ता तैर जाता है, प्रवाह में बहते हुए सूखे पत्ते की तरह बहो, बहते रहो, और उसको मैं जीने की कोशिश तब से कर रहा हूँ कि बहते रहना है प्रवाह में, ये प्रवाह चल रहा है सारा सारा, तब से ये प्रवाह चल रहा है, तब भी वही पत्ता सूखा भी है और बह भी रहा है। स्वामी एक बात यह है कि एट द एज ऑफ 35 और सो जब आपकी लाइफ भी टेक ऑफ कर रही है और ये जो मोड आया है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत हुआ होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में से फिर से कैसे लाइफ को आगे भी ले जाना था? नहीं उसमें तो फिर क्या हुआ, बात तो फिर लंबी चली। अब वो ये बात है 75 की, है ना, 76 में मैं सैन फ्रांसिस्को में डीन बना, उस वक्त 79 में ओशो का मैसेज आया कि नाउ यू कम टू पुणे, ऐसा मुझे मैसेज आया। 81 में तो ओशो खुद ही अमेरिका आ गए, तो फिर मैं वापस आ गया अमेरिका, फिर ओशो रजनीशपुरम बना, तो ओशो रजनीशपुरम में ऑरेगन आ गए, तो मैं मुझे नौकरी करनी पड़ी थी, वो नौकरी छोड़ गई थी सारी, वो कर रहा था मैं, तो शीला का मैसेज, कम राइट नाउ, राइट अवे, कम कम मैदान। मैंने कहा शीला मैं ऐसे नौकरी छोड़ करके नहीं आ सकता, कोई ऐसे जाने नहीं देगा, मुझे 2-3 महीने का एडवांस नोटिस देना चाहता, नहीं यू कम राइट अवे। ओके तो मैंने मेरा जो चेयरमैन था उसको मैंने कहा, मैंने कभी सारी बात समझा दी, देखा मैंने कि ये चक्कर है भैया मुझे तो जाना, उसको पता नहीं मेरे लिए कोई अच्छा भाव होगा तो उसने मुझे कहा को डजंट मैटर यू गो, ऐसा करके फिर मैं वहाँ पहुँचा, कहाँ रजनीशपुरम, रजनीशपुरम में फिर रजनीशपुरम बिखर गया। 1989 में मैं फिर वहाँ, और ओशो का मैसेज था कम बैक इमीडिएटली इट्स ऑलरेडी लेट, ऐसा मैसेज था उनका। जब ये मैसेज आया तब मैंने कहा मुझे तो जाना है, ओशो का मैसेज आया 89 में कि कम बैक, कम इमीडिएटली इट्स ऑलरेडी लेट, उनको जाना होगा ना, तो जब वो जाना होता ऐसा गुरु चलिए उसमें चल नहीं जाएंगे, तो मैं उस तरह से करके मैं 89 में पहुंच गया, 90 में ओशो ने शरीर छोड़ा, तो इस तरह से 89 से लेकर फिर मैं पुनः कभी इंटर रहा। आपका एक बहुत लंबा सा कार्यकाल ओशो के साथ बीता, वो रजनीशपुरम डेवलपमेंट में आप उनके साथ रहे, क्या आप उनके बारे में हमको कुछ बता पाएंगे? बहुत कुछ, क्योंकि बात यह है मैं जब तक जानता हूँ, जैसे आपसे निजी संवाद होता था तो उस वक्त पे जो कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया या आपसे हुआ वो ऐसा है कि वो एक माइलस्टोन है, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ, सो वी वुड लाइक टू नो कि वो कैसे हुआ, स्ट्रगल बहुत था? नहीं, बहुत एक्साइटिंग था, स्ट्रगल तो था लेकिन बहुत ही अद्भुत, एक्साइटिंग, अद्भुत, अनिर्वचनीय एक्सपीरियंस था वो। 3 साल तक बदरायु सर रजनीशपुरम में उस वातावरण में रहना, मैं आपको सारा दिन गुजर जाएगा कि मैं कहानी करने बैठूँ तो, पर मैं संक्षेप में बताऊंगा, संक्षेप पहले ये बता दूँ मैं कि रजनीश ऑरेगन स्टेट में इन द मिडल ऑफ ऑरेगन ये जमीन दी गई थी, वो शिला ने जाके खरीदी थी, उसने सब व्यवस्था की थी, तो 64,000 acre लैंड, 126 square miles, घास का पत्ता नहीं था, इट वॉज अ बैरन लैंड, एब्सोल्युटली बैरन, और वो उन्होंने खरीद लिया था, और उस वक्त तक ओशो कनेक्टिकट में या न्यूयॉर्क में बैक की ट्रीटमेंट के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर थे ऑलरेडी, तो क्योंकि वहाँ ऑलरेडी थे तो उनसे निवेदन किया गया था कि आप यहाँ आ जाओ,
शायद आपके हेल्थ का फर्क भी पड़ जाए यहाँ के हवा वगैरह के, आप इस रिजॉर्ट को वहाँ बना करके, वो एक जो एक अद्भुत जो एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, एक्सपेरिमेंट ही था, किसी को कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, पर 5,000 सन्यासी ने मिलकर के 3 साल में एक शहर खड़ा किया, इन 3 ईयर्स, एंड शहर बंजर जमीन पे, बंजर जमीन, वहाँ पर हमने खेती की, वहाँ कितने एक्सपेरिमेंट्स किए, इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, रिक्रिएशन एक्सपेरिमेंट किए, फल लगाए, फूल लगाए, वहाँ पर डैम हमने बनाया, मकान बनाए हमने वहाँ पर, हमारा पोस्ट ऑफिस था, रजनीशपुरम पोस्ट ऑफिस था हमारा, इट वॉज अ इनकॉर्पोरेटेड सिटी, इट वॉज एक्चुअली सिटी ऑन द मैप ऑफ अमेरिका, ओके, एब्सोल्युटली सर, इट वॉज अ सिटी मैप ऑफ अमेरिका, रजनीशपुरम नाम उसका रजनीशपुरम था, हमारा अपना फायर ब्रिगेड था, और वहाँ पर 5,000 सन्यासी हम लोग 14 घंटे रोज काम करते थे, सुबह 6 से लेकर के रात के 8 बजे तक, बीच में 2 घंटे मिलते थे तो हम ओशो लंच लेकर के ड्राइव पे निकलते थे, उनको ड्राइव करना बहुत अच्छा था, उस वक्त हम सड़क पर खड़े रहते थे, उनको प्रणाम करते थे, ओशो चले जाते थे, हम अपना वापस काम पे आ जाते, बस वो 2 घंटे ब्रेक हम काम होता था, बाकी सारा काम जिसको जो सौंपा गया वो कर, देर आर अबाउट 400 डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग देयर एट दैट टाइम, वही सौंपते थे या कुछ नहीं, वो तो ही वाज इन्वॉल्वड इन, नहीं वो तो वो किसी नेटिविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं थे, अच्छा, उनको कुछ पता नहीं था कौन कहाँ क्या काम करता है, वो खाली विजन देते थे कि ऐसा होना है, ये होना है, यहाँ ये होना है, कैसे होना है, क्या होना है, कौन करेगा, ये सब हमारा शीला है, उसके साथ जो जो काम करते थे उसके जो असिस्टेंट थे उनका काम था, डिसीजन था, वो सब उनका था, और उन्होंने किया बहुत बढ़िया, आज 3 साल में शहर खड़ा करना कोई मजाक बात नहीं है सर, हमारे पास एयरपोर्ट था हमारा 13, तो हमारे एयरप्लेन एयर रजनीश उसका नाम था, एयर रजनीश प्लेन हमारे होते, प्लेन चलते थे हमारे, तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मॉल था, आप पूछिए जो भी, और कैशलेस सोसाइटी, हम कैश का उपयोग नहीं होता था, अगर जैसे कि मैं मुझे खाना है तो रेस्टोरेंट लंच लेना है, लंच ले लो, ब्रेकफास्ट ले लो, अच्छा है खाना, मज़ा आया, हाँ थैंक यू, कोई पैसे का लेना देना कुछ नहीं, अच्छा हाँ ठंड लगी है, जैकेट चाहिए, आप मॉल में जाके जैकेट ट्राई कर लिया, अच्छा लगा जैकेट, फिट हुआ, हाँ ओके थैंक यू, ना कोई टैग देगा, ना कोई प्राइस देगा, ना प्राइस के हैसल होगी, कुछ नहीं, एवरीथिंग बिलोंग टू एवरीवन, देयर वाज नो पर्सनल प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज ही नहीं, क्या एब्सोल्युटली सर, इट वाज एक यूटोपिया जैसी सिचुएशन थी, कि किसी चीज पर किसी की मालकियत नहीं थी, सबका ये सब सबका था, और आप ही वो हो रहा था अपने आप ही, और लोग, और 14 घंटे काम करना सर, ऐसा नाचते थे, मस्ती से गाते थे, गाते कोई किसी के सर पर बोझ नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, अरे कितना काम करना है, सो ऐसे कर लगा हूँ, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार बहुत मजे की बात हुई, हाँ जी, मुझे अलग अलग मुझे काम दिए जाते थे, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स नहीं था सर, अगर आप डॉक्टर भी होंगे ना बड़े काम, जिस मार का टॉयलेट अगर साफ करनी तो आप वो करनी है, आप कुछ भी हो, अभी किचन में सब्जी काटना है, अभी क्लिनिक में जरूरत नहीं है आपको, पहले किचन में जाओ वहाँ सब्जी काटो, जिसको जिसको जो जरूरत था वो करना था, और छोटे बड़े का तो सवाल ही नहीं था, हम सब सन्यासी थे, सब ओशो के प्रेमी थे, तो एक बार मुझे क्वेश्चन, मैं मृत्यु सिखाता हूँ पुस्तक मैंने अनुवाद किया, तो मैं वो करता था वहाँ पर कर रहा था, मेरे सामने स्वामी आनंद मेहत्रे थे, उनको उन्होंने जिन खोजा दिन पाइया का अनुवाद करने, हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठ करके हम अनुवाद करते हैं, थोड़ा तो मजेदार मुझे याद आती है, तो कई बार कभी क्या होता था कि मैत्री जी मुझे मे आई डिस्टर्ब यू सर, मैं कहा स्वामी जी सर वगैरह की ब्रिटिश भाषा छोड़िए ना, मैं मेरे नाम से बोल नहीं, पर इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, ओशो इस शब्द का प्रयोग करें कैसे कहेंगे, सो यू वुड आस्क यू नो लाइक माई इनपुट, मैं उनसे पूछता ऐसा काम करते, तो एक बार मैं कर रहा था वो, इतने मैं थक करके मैंने सोचा अरे चक्कर लगा के आता थोड़ा रिलैक्स करके, बाहर निकला तो मॉल के सामने सन्यासी नाच रहे, मैंने कहा क्या घटना घटी कि पता नहीं चल रहा आज क्या हुआ, कैसे नाच क्यों रहे, मैंने कहा भाई क्या हुआ क्यों नाच रहे हो, बोले आज हम हाईकोर्ट में केस हार गए इसलिए नाच रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता, हार गए तो हार गए, नाच तो होगा, गाना तो होगा, कोई को रोने नहीं बैठने का। और दूसरे दिन जीत क्या है, हमारे पास 13 अटर्नी थे सर, ग्रामीण ग्रामीण अटर्नी थे, कैनेडियन, जर्मन, इंडियन, इटालियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऐसे 13 नामी ग्रामीण, और सबने जाकर के लाइसेंस लिया होता कोर्ट में आर्ग्यू करने का, क्या बार काउंसिल वगैरह जब होता है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, सब तैयार थे, क्योंकि हर चीज़ हम लीगली कर रहे थे, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं की जिसमें हमने कोई किसी लीगल चीज़ को हमने इलीगल किया। कहने का आशय है कि उस तरह की तैयारी भी थी हमारे पास, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, राइटर्स थे, इंजीनियर्स थे। अब एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, अब ओशो ड्राइव पे निकलते, अब वो जो सड़क थी पब्लिक सड़क थी, वो पब्लिक रोड, तो खड्डे वड्डे रास्ते में होते थे, तो उनको ऐसा जल्द लगता होगा, तो हमने कहा ये तो अच्छी बात है, कितना परेशानी हो इतना शरीर उनके, सड़क बनानी चाहिए, ऐसी सड़क बननी चाहिए, कैसे किसको सड़क, तो किसी ने जिंदगी में बनाई नहीं, चलो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट को बुलाया, भैया सड़क कैसे बनती है यार, चलो ये बताओ, ऐसे ऐसे सड़क, अच्छा ओके थैंक यू, अच्छा भैया कौन से इक्विपमेंट, क्या मशीनरी क्या, जो ये मशीनरी आ गई, ओके थैंक यू, हमने मिल करके 21 मील की वो सड़क बनाई, ऐसी सड़क जैसी जैसे स्मूथ पानी पर जैसे कार जा रही है, हमने 22 मील की सड़क बनाई हमने उनके लिए, और किसी को कौन बोले सड़क किसने सीखी था, कोई टीचर था, कोई प्रोफेसर था, कोई डॉक्टर था, कोई लॉयर था, सड़क बनाना किसको आया, लेकिन वो भी हमने किया। कहने का आशय ये है कि हमारे भीतर की जो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी है उसको बड़ा मौका मिला। कोई भी आदमी अगर आपके पास कुछ आइडिया है, कुछ नया करना है, लग जाओ, फिक्र मत करो वो सक्सेस होगा करने, तुम लग जाओ, तुम लग जाओ, हो गया तो बहुत बढ़िया। तो जहाँ जहाँ अलग अलग, इससे मैंने कहा कि 400 डिपार्टमेंट्स और फंक्शनिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स सारा काम चल रहा है, और हर व्यक्ति को उसकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का मौका था, और कोई छोटा नहीं था सर, कोई बड़ा नहीं था, और सारे डिपार्टमेंट्स की जो हेड थी वो विमेन थी, स्त्रियाँ थी, हाँ, कितना भी 30 मार का पुरुष होगा उसे जब कहेगी कि नॉट नाउ, डोंट कम नाउ, आई एम नॉट फ्री राइट नाउ, तो ही हैज टू गो, वो जाकर के उसका देने के अगर ऐसी क्या कौन होती तो मुझे कहने वाले, ऐसा कुछ नहीं, उसने कह दिया सो कह दिया, एक सरेंडर था वो भी। मैं क्या बता रहा हूँ सर, ओशो सदगुरु के साथ जो भी कुछ हुआ होता है ना, वो सारे उपाय होते हैं, क्या बात, दीज आर ऑल डिवाइसेज टू मेक अस ग्रो, टू मेक अस मोर मैच्योर। उस आदमी के लिए वो एक डिवाइस था, उसके आगे सरेंडर करना स्त्री के आगे, हमारे यहाँ मेन माइंड कभी स्त्री को सरेंडर नहीं करता, लेकिन हमको सीखने को मौका मिला कि नहीं यहाँ पर भी सरेंडर जरूरी है। We are talking about women empowerment nowadays. उसी वक्त बिना बताए सब कुछ था। Now you said it, sir. बहुत अच्छी बात बताया। Exactly ऐसे होता। तो अलग अलग लेवल पर हम लोगों की क्रिएटिविटी को मौका था, और हमारे हमारे भीतर का एक एक आस्पेक्ट जो है वो ये था कि कैसे वो एक डिवाइस बन जाता था हर चीज का। अभी एक जो आपने पूछा ही है, तो मेरे दो अनुभव मेरे वहाँ के जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक तो मैं पहले छोटा कर देता हूँ, बाद में जो बड़ा वाला बताता हूँ। अब जैसे मुझे शीला कहेगी कि अब मैसेज आएगा कि तुमको गार्डनिंग करना है, तो हमको गार्डनिंग करना, और मैं आपको ये भी बात बताऊँ, ठीक है, कि हम सब लोग तैयार थे, क्योंकि क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट और जो फेडरल गवर्नमेंट, उनको हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, ऑब्वियसली मैं वही पॉइंट पे आने वाला था। उनको बिल्कुल, वो तो क्रिश्चियन सारा एक एटीट्यूड, देयर वाज अ क्लासिक कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द प्रीस्ट एंड द पॉलिटिशियन हमको उखाड़ने में, वो बात okay. करूंगा मैं, वो रोनाल्ड रेगन था, वो वैटिकन था उनका था। एनीवे तो सवाल ये था कि उनको हमको मैसेज मिला कि उन्होंने जो पैरामिलिट्री जो लोग होते हैं, मिलिट्री के नहीं पैरामिलिट्री जो होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन थे कि अगर रजनीशपुर में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ झंझट हो जाए, कुछ झगड़ा झांसा हो जाए, शूट एवरीवन, इसे उनको कह दिया, और हम मीडिया को बता देंगे, हम तो निपट लेंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम शूट करो, यहाँ तक की तैयारी। तो हमें एज अ डिटरेंट उनको देखना है के लिए कि अगर तुम मार सकते हो तो हम भी मार सकते हैं। हमने शूटिंग, मैंने शूटिंग की ट्रेनिंग दी है, आई नो हाउ शूट, हाँ वहीं पर, वहीं पर रजनीशपुरम में बाकायदा मैं जाकर के ट्रेनिंग ले जाता वहाँ पर, इसलिए। और आप देखेंगे पिक्चर में, वीडियो में, कि वो बंदूक लेके खड़े हैं, इसका कारण इतना था कि उनको ये पता चले कि तुम मार सकते हो गोली तो हम भी गोली मार सकते हैं, बस इतना याद रखना।
एज ए डेटर, एक भी गोली चली नहीं, किसी का बाल माथा नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर उनको ये पता चल गया कि दे कैन नॉट जस्ट टेक अस फॉर ग्रांटेड। कई बार वो निकलते थे सड़क से, पब्लिक रोड से, पिकअप के ऊपर सिर्फ बंदूक रखते थे दिखाने के लिए कि हम तुमको मार देंगे करके, ऐसा ठीक है। और हम पूरा वॉच करते थे पूरा वॉकी टॉकी से कि कार आई है, उसका ये नंबर है, दूसरे पोस्ट पर उसे वो नोट करता था जी कार आई गई गई हाँ ऐसे गुजर गई थी, ऐसा पूरा वॉच करते थे, पूरा सिस्टमेटिक था। तो मुझे गार्डिंग का मुझे मौका, एक बार मुझे रात को हैदराबाद शहर वहाँ नदी थी, दैट रिवर वॉज अ बाउंड्री, उधर रैंचर्स थे, रैंच के लोग वो हमारे शत्रु थे नेचुरली, उनको तो पसंद नहीं, और इधर हमारी रेंज थी ट्रेडिशनल, उस नदी, उस नदी से वहाँ से कोई क्रॉस करके ना आए उसके लिए वहाँ पर वॉच करना पड़ता। अच्छा, तो मेरा काम उन्होंने दिया था कि यू हैव टू डू दैट, और मैं शाम को कार लेकर के मैं 7 बजे शाम को पहुँच जाता था नदी किनारे, और रात भर में वहाँ बैठ करके सारी रात वॉच करता था कि वहाँ से कोई आ तो नहीं रहा है, इतना इतना स्नो, ऐसी ठंड जबरदस्त, और कंबल पहन करके कार में कभी कभी इग्नाइट करके गर्मी ले लेता था कार के, फिर बंद कर देता, ऐसा करके मैंने वहाँ पर 3 हफ्ते तक मैंने सर गार्डिंग किया, ये काम था मेरा, और भी सड़क पर भी और भी जगह गार्डिंग का काम किया। पर इसके अलावा जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम वो भी था, आपने इसकी कहानी सुनी होगी कि इशू ये था कि सिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वी नीडेड 180 अमेरिकन सिग्नेचर्स ऑन एप्लीकेशन पिटिशन कि हमें एक सिटी को इनकॉर्पोरेट करना है, पर हमारे पास 180 अमेरिकन सिटीजन नहीं थे, सिटीजन तो 5,000 थे, कोई जर्मन था, कोई इटालियन था, कोई इंडियन था, ऐसे थे, पर 180 वो कहाँ से लाए? तो किसी ने आइडिया दिया कि ये जो स्ट्रीट पीपल होते हैं जैसे हम भिखारी कहते हैं, जो स्ट्रीट पे पड़े रहते हैं, उनको लाया जाए, वो तो सब सिटीजन है, अच्छा उनसे सिग्नेचर मिल जाए तो काम हो सकता है, आइडिया था, वो वैल्यूएबल सिटीजन मिल सकते हैं। तो सर मेरी दूसरी, मेरा मैं अब सेकंड पर्सन हूँ मैं, तो मैं मेरे साथ सन्यासी पुनीत, हम दोनों को बिठा करके न्यूयॉर्क ले जाएगा, न्यूयॉर्क में एक फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ था, वहाँ पर सारी व्यवस्था थी, हमको वहाँ पर रखा गया, हमारा काम था न्यूयॉर्क से बस भर करके उन सीट पीपल को रणजीतपुरम लाना। अच्छा, हाँ तो लाना ही पड़ेगा ना, मतलब कैसे होगा, उनको बुलाना तो पड़ेगा, अब हमारा किसी से जान पहचान, कोई सड़क पड़ा को गालियाँ दे रहा है, कोई शराब पी के पड़ा हुआ है, कोई कैसा पड़ा हुआ है, सड़कों पर पड़े 5th Avenue पर न्यूयॉर्क के डाउन टाउन एरिया में, अब बात करने जाए तो बात ना करे, अब उससे पूछेंगे तो हमारे साथ विल यू कम टू ओरेगन, तो कहते वेयर इज ओरेगन मैन, हाउ फार इज, तो मैं कहता 3,000 miles, मैं यहाँ से 3 माइल ले जाता और तो मुझे थी, वो तो घबरा जाते थे कि बड़ा रैकेट है ये, पकड़ पकड़ के ले जाएंगे लोग, कुछ करेंगे साहब, तो भाग जाते थे हमारी बात सुनकर, आता नहीं था। अब मैंने सोचा कि इनके साथ बातचीत करें कैसे, हाउ टू क्रिएट डायलॉग, फिर हमने सोचा यार अच्छा करो कि उनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करो, तो हमने सैंडविचेज रखे, चीज़ सैंडविच, पीनट बटर सैंडविच, उनको इंस्ट्रक्शन दें कि खाने की चीज़ में नॉन वेज का उपयोग करने का नहीं, खाली वेज ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ तो बाकायदा चीज सैंडविच, पीनट बटर सैंडविच और सॉफ्ट ड्रिंक जो होता था वो, और ऐसे करके बातचीत करने के लिए खाने थे, वन टू वन हाँ वहीं थे, सड़क के ऊपर हमसे बात करते थे, वो सुन लेते थे खाना वाना खा, उनको खाना मिलता खाना खा करके चले जाते थे। हमने कहा यार ये तो बात बने, फिर किसी ने कहा कि उनका एक दादा है मोटा सा काला सा, वो अगर कह दे तो उसकी बात ही मानेगा। अच्छा, ये मानेंगे, दादा के पास गए बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि सर सर करके ही बात करें, वी वुड लाइक टू टेक सम ऑफ योर फ्रेंड्स टू ऑडिट, वो पट्टा देखेगा नहीं आपकी तरफ, उसका ये था उसके पास पॉकेट वॉच थी, पॉकेट वॉच ऐसा वो देखता था, पॉकेट वॉच को वॉच देखता आपकी तरफ नहीं देखेगा। अच्छा, हाँ वो वॉच को देखता, आप बोलो जिन जो बोलो समय को देखता हाँ मुझे बोलना हाँ वो वॉच को देखेगा। और हमने कहा कि सर वी विल टेक केयर ऑफ देम, वी विल टेक देम देयर, उनके खाने का रहने का कपड़ा सब उनको, उनको काम नहीं करना वहाँ पर, उनको सिर्फ होना है। Yes. बस हम हमारे हमारे गेस्ट की तरह हमको ले जाना चाहते हैं।
तो वो कहता है ऑलराइट टेक माय फोटोग्राफ, मेरा पिक्चर लो। अब हमारे पास कैमरा वैसे था नहीं, तो मैंने पुलिस से मैंने कहा तू यार कैमरा लेके लिया, तो मार्केट में गया, वो पोलराइड कैमरा होता था, उन्होंने पोलराइड कैमरा लेके आया सर, उसका हमने पिक्चर लिया, उसको मैंने पिक्चर दिया, कहता है नाउ पे मी $50 फॉर टेकिंग माय फोटो। अच्छा अरे तू तो दे नहीं रहा, हमसे तू मांग रहा है उल्टा। मैंने कहा ठीक भाई तो $50 ले रही यार। उससे पता नहीं बताया सर क्या इशारा जो भी कुछ किया होगा, लोग तैयार हो गए। तो हमने कहा थर्सडे को 5 बजे यहाँ बस आएगी, ग्रेहाउंड बस, अमेरिका की ग्रेहाउंड बस है, उसमें हमको जाना है, तो आप 5 बजे यहाँ पर आ जाना ठीक है। दूसरे दिन साहब वो गंदा कपड़े गट्ठर लेकर के बाल बिखरे हुए मुंह से बदबू उनकी, ऐसे अपने लोग चले आ रहे, बैठ रहे करीब 60 लोग की बस जगह थी। उसमें एक आदमी, उसके हाथ में एक पिंजरा था, पिंजरे में एक पक्षी था, वो पक्षी और पिंजरे को लेकर के और सामान लेकर के आकर अंदर आया और वो उसको कहता है हे बर्डी यू वांट टू गो टू ओरेगन, उसको पूछता है पक्षी okay. आपको ओरेगन जाना है, नो ओरेगन नो ओके, उतर गया पक्षी नहीं ठीक है। ऐसे करके करीब 50-60 करके कम से कम लोगों को helpless, क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, देख रहे हैं कब तो रहा, देख रहे हैं वो आगे बढ़े, वो सारा हो गया, सारा खेल खत्म, पूरा गाड़ी आगे बढ़ी। अब क्या हुआ कि न्यूयॉर्क से आगे पेंसिल्वेनिया स्टेट आता है, तो पेंसिल्वेनिया से हम गुजर रहे थे, उसमें जब बारिश हुई होगी तो सड़क में थोड़ा स्लिपरी हो गया होगा रास्ता, ऑयल वॉयल गिरता है, तो हमारी हमारे बस ड्राइवर तो बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं उनके, उनका सवाल नहीं था, वो तो ले जा रहा, लेकिन एक कोई लल्लू वो कार से बस को कट करने के लिए उसने कोशिश की होगी और उसको टच ना करे इसके लिए बस बस वाले ने ब्रेक लगाया ऑब्वियसली। अब ब्रेक लगा तो पीछे जो बैठे हुए थे सारे सारे वो सब एक गिरे और वो आकर और उन्होंने उस ड्राइवर का गला पकड़ लिया, यू डू दिस नेक्स्ट टाइम यू आर अ डेड बीट। उनको बड़ा गुस्सा आया कि तूने ऐसा गाड़ी क्यों चलाई, हमको गिरा दिया ऐसा करके, नेक्स्ट टाइम। और मैं उनका हाथ पकड़ रहा हूँ सर प्लीज डोंट डू दैट, वो धक्का देगा मुझे वो पुनीत बैठा हुआ कौन है वो आ ही नहीं रहा है और मैं उनको कह रहा हूँ सर प्लीज फॉरगिव मी सर सॉरी सॉरी अपोलोजाइज ऐसा करके, और वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम यू डू दैट यू आर अ डेड मेट वेरी, ऐसा करके उनको शांत किया थोड़ा बहुत करके, उनको जाके बैठे और हम लोग शिकागो पहुंचे दूसरे दिन। और बात फैल गई कि ये इस तरह की बस जा रही है, इस तरह के लोग यहाँ पर हैं, और वो जो ड्राइवर है उसके साथ जो घटी वो सारी बात उसने बताई सब। अब कोई ड्राइवर तैयारी नहीं हो रहा था हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। अच्छा उसमें एक बार बात ये हुई कि 10-12 ऐसे थे जिनको खाली शिकागो ही आना था वो गायब हो गए, वो आए नहीं, हम राह देख रहे हैं उनके, उनको लेना देना था हमसे, तो खुद शिकागो जाना था उतर गए वो ट्रैवलिंग में। अब सवाल ये है कि ड्राइवर के बिना आगे बढ़ेंगे कैसे, आपको तो पहुंचना है। तो मैंने फोन लगाया रेंज में हमारे लॉयर्स थे, मैंने कहा वेट वेदांत डोंट वरी अबाउट विल टेक केयर, उन्होंने उसको फोन किया होगा ग्राउंड को, उनको ऐसा जुड़ा दिया होगा कि वी डोंट धो डालेंगे तुमको, तुम अगर नहीं मानोगे तो, जो भी उनकी बातचीत हुई होगी मुझे पता नहीं लीगल रंग में क्या, पर वो तैयार हुए okay. ड्राइवर आया, हमारी गाड़ी आगे बढ़ी। अभी गाड़ी आगे बढ़ी है एक खड़ा हो गया, ओपन द डोर आई वांट टू गेट आउट, ओपन द, अरे मैंने कहा तू कहाँ जाएगा भैया, यहाँ सड़क है ओपन नहीं हाईवे है यहाँ तो जाए, नो आई ब्रेक द डोर। मैंने वो ड्राइवर से कहा भैया कोई नज़दीक में कोई बस स्टॉप है कहीं जा, बोले है तो सही पर डिटूर होकर जा रहे, मैंने कहा तू जैसे जा पहले वहाँ पर ले चल। तो वहाँ रात को हम पहुँचे, अब अंधेरा रात हो गई, उसका जो मैनेजर होगा बेचारा सो गया उसको उठाया वो गालियाँ देता जो उसने गालियाँ सुनाई है मुझको, उठ करके हमने कहा देखो भाई ऐसा है कि इसको वापस न्यूयॉर्क जाना है, ये उसके न्यूयॉर्क के टिकट के पैसे, इसको गाली सुबह गाड़ी में बैठा दे, सोने देना है यहाँ पर बस स्टॉप। उसने कहा ठीक है करके उसको पहले ऐसा करके उसको दिया और हम दूसरे दिन जा करके हम आइडाहो स्टेट आया था हम आपको सुन रोज। अब हुआ ये कि हमको कहा गया था कि इनको सैंडविच मतलब वेजिटेरियन देना, हम उनको चीज़ सैंडविच दे रहे हैं, पीनट बटर सैंडविच दे रहे हैं,
ब्रेकफास्ट में सैंडविच, लंच में सैंडविच, डिनर में सैंडविच, कोई भी आदमी पागल हो जाए। तीन दिन और तीन दिन, चार दिन और तीन रात का सफर था सर। फोर डेज एंड थ्री नाइट्स आई एम सिटिंग देयर ऑन द सीट, मेरी आंखें में सोया नहीं। आज तक मुझे कल्पना नहीं कर सकता कि तीन रात मैं सोया नहीं, ऐसा बैठा हूँ आँख खोल कर, क्योंकि इस वक्त क्या कर बैठे उसका भरोसा नहीं था इन लोगों। और चार दिन तक साहब सैंडविच खाना, कोई भी आदमी पागल हो जाए, तो रिवोल्ट हो गया अंदर कि हम उतर जाओ, चले जाएंगे हम सब, निकल जाएंगे, हमको ये सैंडविच नहीं खाना। अब और वो चले जाएंगे तो हमारे साथ लेना देना हो गया, तो मेहनत करके उनको हमारे पास, हमको ये टास्क दिया गया, इनको लाना है सबको सब। तो मैंने अच्छा वो जो जहाँ उतरे रुके वहाँ रेस्टोरेंट वाले ने देखा कि ये वही बस है जिसकी चर्चा चल रही थी, उसने मना कर दिया कि इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। मैंने कहा यार तू डबल पैसे ले पर तू इनको कुछ खिला दे ताकि ये लोग शांति से बैठ सके। तो वो माना और उनको जो उनको जो एग वेग या जो भी कुछ उनको खाना हुआ उनका नॉन वेज वो खिलाया और सब लोग वापस बैठे। तो मेरे पैसे खत्म हो गए तो सर तो मैंने फ़ोन किया रैंच में, तो फिर वहाँ से फोन आया कि ओके डोंट वरी वेदांत, फिर नेक्स्ट स्टॉप पर तू वहाँ पर हम मिलेंगे तुझे जितने पैसे हैं वहाँ पर आके। बहुत अच्छे से हाँ बहुत बहुत अच्छा। तो वहाँ से निकल के जब पहुँचे तो वो जो सन्यासी मेरे सामने दिखाई दिया ना, मुझे देवदूत जैसे लगे सब। मैं उनको देख रहा हूँ, इनकी शक्लें, इनकी सारी गलियां, इनकी आवाज सुन सुन कर मैं इतना मैं थक गया था। मैं उनकी आवाज सुन रही हेलो वेदांत जो बोले हो जाए को अमृत प्रसाद राज्य समझ के उनको जाकर के हक किया राफिया करके सरदार सन्यासी का नाम तो और भी। तो मैंने लेकर वेदांत नाउ हियर इज मनी कीप इट, यू वोंट नीड इट एनीवे बट यू कीप दिस। ऐसे करके हम चौथे दिन हम रजनीशपुरम पहुंचे जब न्यूयॉर्क से निकले वहां से। और फिर वहां पर सन्यासी की उनकी याद साधना, अब इनको उतारो, इनके कपड़े अच्छे आप पहना दो, उनको निलाओ बुलाओ, उनको बताओ कि यहाँ बाथरूम है, यहाँ ये उनके रहने की व्यवस्था अलग से की हुई थी। ऐसी उनकी कहने का मतलब ये सारी जर ऑल डिवाइसेस दैट द मास्टर हैड क्रिएटेड, ये कैसे करते हैं सन्यासी को तो गड़े गुरु गड़े में ना बुढ़ी बुढ़ी बहुत अच्छा, लेकिन एक ऐसे स्ट्रेंजर के साथ जो सड़क पर रहा हुआ आदमी उसके साथ तुम कैसे बिहेव करो। लेकिन आप वो टास्क पूरा करने में सफल हो गए। बिल्कुल सफल रहा, तब तो ला सका साठ आदमियों को, ये तो कहाँ से लाता। तीन और वो अच्छी तरह से वहाँ रहने लगे, रहने लगे हुआ ना। फिर क्या हुआ कि लगभग मेरी दूसरी बस्ती और भी बसें आई अलग अलग सिटीज से, और भी लोग लेके आए, कुल मिला करके 5,000 हम सीट पीपल को लेके आए। 5,000 यस सर। और उनको सारी व्यवस्था खाना पढ़ना फीस एवरीथिंग वॉज फ्री फॉर देम, लेकिन उस सारे वातावरण में फिट करना भी उनके लिए तो बहुत मुश्किल था, जो सड़क पर जो बैठे हुए हाउ कैन दे एडजस्ट विद दिस काइंड ऑफ। फिर भी 1500 रह गए, 1500 रिमेंड। अच्छा, बाकी सबको हमने टिकट पैसे दे दिए कि आपको जहाँ जाना हो यू कैन गो बैक, वी पेड देम, जिनको जहाँ जाना उनको हमने वापस लौटा दिया। पर 1500 रह गए, और जो रह गए उन्होंने कोई कोई खेत में काम कर रहा है, कोई गैराज में काम, उनको पढ़े लिखे तो गए बहुत थे नहीं, जो भी कर सकते थे बड़े प्रेम से रहे। और इतना प्रेम मिला उनको, कहाँ से मिलता उनको सन्यासियों ने इतना। दे बिकम पार्ट ऑफ यस एब्सोल्यूटली, संन्यास बहुत मिला। तो कहने का आशय यह है कि सदगुरु ने उसमें ये जो 1500 लोग रह गए वो भी उनका आपके साथ रहना और सब काम करना वो भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन माना चाहिए। यस सर, उनके लिए तो हमारे लिए भी था, क्योंकि हम इतनी सारी शिक्षा के बाद भी एक व्यक्ति को बदल नहीं पा रहे हैं, और ये बिना शिक्षा और अशिक्षित लोग हैं, कोई गरीब है, ऐसे लोग वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, और वो हमारी बहुत अनुग्रहित फील करते थे अपने आप को, हमें इतना प्रेम इतना सर कहकर तो बात ही किसी ने की उनसे, नाम लेकर किसी ने उनको कुत्ते की तरह सड़कों पर पुलिस लोग उनको मारते थे, डील करते थे उनके साथ, इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया उनको, इतना प्रेम किसी ने नहीं दिया उनको, और हमारे लिए भी अनुभव था ये उतना ही। तो आज हमारे साथ जो सत्य वेदांत स्वामी बैठे हैं वो उनका कोर वैल्यूज जो हमने अभी तक डिस्कस किया कहाँ से आया है, तो मैं एक छोटी बात आपसे जानना चाहूँगी कि ओशो के विदाई के बाद जो आपका काम रहा वो क्या कंट्रीब्यूट करने का रहा? क्या
क्या था कि दो बातें हुई। पहली बात तो ये कि 1981 में ओशो ने ओशो मॉल में चले गए थे। उन्होंने तीन अनाउंसमेंट हुए थे 1981 में कि अब ओशो संन्यास नहीं देंगे और ओशो एनर्जी दर्शन नहीं देंगे और मौन में जाएंगे। ये तीन बातें हुई थी तो मौन में चले गए थे। बाद में अमेरिका में जा करके मौन पूर्ण पूरा तो उसमें उन्होंने ये मैसेज था कि माँ लक्ष्मी मैं और एक स्वामी तीर्था करके नाम तीन लोग संन्यास देंगे और एनर्जी दर्शन देंगे। ये हमको काम उन्होंने हमारी दिया गया था। तो मेरा वो ऑन बिहाफ ऑन शाह तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले दिन तीर्था बैठा है, मैं बैठा हूँ, संन्यास देना है हमको, कुछ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, दे वर नॉट अ वर्ड कि क्या करना कैसे करना, बस करना इतना। शीला की दिस यू हैव टू डू इट, दैट्स अबाउट इट। अब कैसे करना कैसे, अब बैठ रहे हैं, अब मैं उसकी ओर देख रहा हूँ, वो मेरी ओर देख रहा है, कोई शुरू तो करे, वो उठे ही ना, मैं उठो यार, उठ करके मैंने प्रणाम किया उन फोटो को और मैंने जैसा वो करते थे संन्यास वैसा मैंने खाली उस किया। ओशो ने कुछ आदमियों को बैठा कर रखा था, अच्छा, देखने के लिए कैसा होता है, तो उन्होंने रिपोर्ट किया। फिर बाद में ओशो ने कहा आई एम हैप्पी द वे इट हैपेंड। तो हमको बस इतना पता चला कि क्या बात है, क्या प्रॉपर्टी। तो कहने का आशय यह है कि मेरा पहला काम तो ये था संन्यास और एनर्जी दर्शन लेने का। दूसरा काम ट्रांसलेशन का था, मैं ओशो की बुक्स को ट्रांसलेट कर रहा था एक तो था। और तीसरा फिर बाद में तो क्या हो गया, शिविर शुरू हो गए, कैंप शुरू हो गए, तो कैंप में जाना, शिविर करना, ध्यान के शुरू करना और हाँ प्रेस के साथ, हाँ उन्होंने मुझे प्रेस का भी काम सौंपा, प्रेस के साथ इंटरेक्ट करना, वो काफ़ी इंटरेस्ट रहा। हर तरह का प्रेस का आदमी आता था, हर तरह की बात होती थी, तो प्रेस को भी मुझे संभालने का काम, और फिर मल्टीवर्सिटी का काम था, तो मैं था तो उन्होंने मुझे चांसलर का टाइटल दिया था और एक माँ करुणा थी अमेरिका की, वो वाइस चांसलर थी। तो हम सब मिल करके और हमारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट डायरेक्टर्स कहते थे, डायरेक्टर्स होते थे, उनके साथ मिल करके हम सारा काम करते थे। तो मल्टीवर्सिटी का काम, प्रेस का काम और ये संन्यास दीक्षा काम, ये तीन तरह के काम उन्होंने उनके जाने से पहले दिए मुझे। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विद द मेमोरीज ऑफ ओशो? He's always there. He's always there. Memory का सवाल ही नहीं, he's always there. Right now also he's here. आपको उनकी प्रेजेंस पूरी absolutely 1000%। तो इतने इतने लंबे संवाद में एक बात तय हो रही है सत्यवेदांत स्वामी के एक पूर्ण शिक्षित व्यक्तित्व था, जिन्होंने पूर्ण अशिक्षित लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करने में अपना हिस्सा दिया है और वो ऐसा भाव लेके दिया है कि जो कुछ कर रहा है वो सदगुरु के उपस्थिति है इसीलिए हो रहा है। आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग बट मेरे पर छोड़ दो जो बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर रहे हैं आप ओशो और नाम मेरा हो रहा है। क्या बात है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर रहे हैं आप ओशो और नाम मेरा हो रहा है। ऐसी हालत अभी भी वही कर रहे हैं लेकिन एक प्रवाह में जिस प्रकार से आ गया है सारा सब होता जा रहा है। मेरा मानना है आप 85 क्रॉस कर रहे हैं अभी। 85? हाँ रियली नहीं, 5th मई को मिला 80 शुरू हुआ। 80 शुरू हुआ, 79 पूरे हुए। नहीं मैंने आपके बाल देख के ये सोच लिया बाल तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि 85 जब होंगे तो फिर से हम मिलेंगे और एक आपका एक बहुत लंबा सा संवाद करेंगे। आज आपने जो समय निकाला हमारे लिए और हम भी वो धन्य भाग है कि आपके माध्यम से हम ओशो की स्मृति के साथ ये पल बिता रहे हैं। मैं आपका बहुत अनुग्रहित हूँ बजाय सर, आप इस काम के लिए यहाँ पर आए, जो ओशो अकेडमी बन रही है उसके लिए भी आप आए, आपने तो समय निकाला, आपके काम बहुत व्यस्त हो, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना क्या क्या नहीं आपके पास जिम्मेदारी है और सारा निभाते हुए आप यहाँ पर पधारे, आपको आपने इतना समय दिया आपके पास और ये आपने जो मुझसे बातचीत की
मेरा अनुग्रह मिला, वहां से प्रणाम।